तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन दबा दो ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाओ। What is up people? Hello and welcome back to the channel. And भाई कैसे हो आप सब? I hope सब बढ़िया होंगे और सब अपने अपने लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। Anyways, मेरा नाम है अमन शर्मा, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब और आज हम बात करेंगे अनलॉक 4.0 के बारे में। अनलॉक 4.0 में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्कूल रीओपनिंग गाइडलाइंस के ऊपर। आई नो कि मैं काफी ज्यादा लेट हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि टाइम टाइम वीडियो बनाने की, बट भाई मिस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है तो नहीं बन पाती एंड आई एम सॉरी उसके लिए। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे अनलॉक 4.0 में स्कूल रीओपनिंग के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं स्कूल रीओपनिंग को लेकर, इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी लागू कर दिए गए हैं। लेकिन मैं फिर से लेट हो गया और अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स किए हैं अपने ऑर्डर्स को रिवर्ट करने के लिए। जो स्कूल ओपनिंग के लिए गाइडलाइंस जारी हुई थी वो एज इट इज है, लेकिन स्कूल 21 सितंबर से अब नहीं खुलेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया अपने ऑर्डर्स को रिवर्ट करने के लिए। तो मैं नाम अमन शर्मा, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब का एक और फ्रेश एपिसोड और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑन स्कूल रीओपनिंग। सो बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया ऑर्डर्स रिवर्ट करने के लिए। और सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है SOPs, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ डिटेल एनालिसिस करके ये पता लगाया कि क्या ऐसे प्रोसीजर हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम जो कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसको रोक सकते। और यही रीजन है कि जो आज के डेट में जो हमारे केसेस आने चाहिए थे 40,000 या 30,000 वो आज बढ़कर लगभग 1,00,000 के पास पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, अगर एक दिन केसेस कम होते हैं तो अगले 5 दिन तक कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं। आज की डेट में लगभग 95,000 से लेकर 1,00,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो अभी आप कह सकते हो कि कोरोना का पीक टाइम फाइनली इंडिया में आ चुका है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं सेकंड चीज पर जो गवर्नमेंट को मजबूर कर पाई अपने ऑर्डर्स रिवर्ट करने के लिए, और वो थी चाइल्ड हेल्थ। अब जैसा कि हमको और आप सभी को पता है कि अगर हम एक एवरेज एडल्ट की बात करें तो उसकी इम्यूनिटी इतनी हायर साइड होती है कि वो किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से लड़ ले, लेकिन रिस्क तो सभी को है क्योंकि ये एक न्यू डिजीज है और आपकी बॉडी इसको कभी एनकाउंटर नहीं कर पाई है। तो अब ध्यान तो हर किसी को रखना, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, जितना ज्यादा हो सकता है घर पर रहे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में, चाइल्ड हेल्थ ने कैसे इन्फ्लुएंस कर। देखो सबको पता है एडल्ट की इम्यूनिटी हायर साइड होती है, लेकिन वहीं पर बच्चों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा लो होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, ठीक है। तो इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने कंसिडर करा। हालांकि ये जो स्कूल रीओपनिंग थी ये वॉलंटरी बेसिस पर थी, यानी कि बच्चे अगर चाहेंगे तो ही वो स्कूल जाएंगे, वरना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको स्कूल जाने जाना। ऑल्सो इसमें एक और फैक्टर था कि जो बच्चों को पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए बच्चे को जाने के लिए, और एक प्रॉपर लिखा हुआ कंसेंट लेटर जो बच्चे को स्कूल में शो करना होता उसी के साथ बच्चे को स्कूल में एंट्री मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेजर रीजंस थी जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाए अपने ऑर्डर को रिवर्ट करने में। तो अगर हम पूरे ओवरऑल एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं, एक समरी करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता चलता है पहला मेजर रीजन जो था SOP फेलियर। आप गवर्नमेंट भले ही ना बताए लेकिन हर किसी को पता है कि SOPs बहुत ज्यादा बड़े फेलियर निकले हैं, कोई भी स्टाफ कहीं का भी मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। सेकेंड रीजन था चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि हमारा जो नेशन है वो एक यंग नेशन है, यहाँ पर चिल्ड्रंस इन कंपैरिजन टू एडल्ट बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हमारी फ्यूचर इंडिया यंग इंडिया कहलाएगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको कुछ रिस्क ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो आई होप कि आपको सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए
बार बार ना कहना पड़े, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिनको खबर नहीं मिली है उनको भी खबर मिल जाए कि 21st of September से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। आप नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मेरे को वहां पर फॉलो कर सकते हो। मैं और भी काफी सारा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। एनीवेज मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, घर पर रहो, सेफ रहो।